प्राइज लड़की से फोटोशूट किया। ये रखा है बहुत अच्छा है, अभी तो और 15 ना बाकी है, सरप्राइजेज होंगे, गिफ्ट होंगे। इंडिया टीवी समर वंडरलैंड मीरा भाईंदर में ऐसा प्रोग्राम पहली बार हो रहा है। प्रवेश प्रताप सरनाइक फाउंडेशन द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसका आज उद्घाटन आमदार प्रताप सरनाइक के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में अगर आप देखेंगे, विशेष रूप से बच्चों के लिए किया गया है, क्योंकि समर वैकेशन में लोग बाहर नहीं गए, गाँव नहीं गए हैं, तो यहाँ पे आके इसका एंजॉय कर सकते हैं। और इस कार्यक्रम में आपको दिखाऊंगा किस तरह से यहाँ पे अलग अलग स्टॉल लगाए गए हैं कि लोग अपना शॉपिंग भी कर सके, और यहाँ पे फूड्स के भी कई सारे आइटम्स हैं जो लोग इसका लुत्फ उठा सकते हैं। वो उसे सामने आप देख रहे हैं, वहाँ पे बच्चों के लिए अलग से एक गेमिंग जोन बनाया गया है, जहाँ पे बच्चे इसका भरपूर आनंद ले रहे हैं। और बताना चाहूँगा कि यहाँ पे कई सारे बुक्स हैं, जो बुक प्रेमी हैं, जो बुक पढ़ते हैं, वो यहाँ पे बुक ले सकते हैं। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से लाइव म्यूजिक चालू है, लोग उसका लुत्फ उठा रहे हैं। उसके लिए बात करते हैं। शुभ दिन है, हमारे महानगर पालिका की लोकप्रिय आयुक्त श्री दिलीप जी ढोले, इनका जन्मदिन भी है। और पूर्वेश सरनाइक के माध्यम से जैसे थाना में इन्होंने समर वंडरलैंड का आयोजन किया था, उसी तरह से मीरा भाईंदर में 18, 19, 20 और 21 मई को इन्होंने ये समरलैंड का आयोजन किया। बहुत बड़े पैमाने पे थाने के लोगों ने और खासकर बच्चों ने इस समर वंडरलैंड में सहभाग लिया, और बहुत अच्छी तरह से जो कार्यशाला थी उसमें उन्होंने अपनी पात्रता दिखाई। उसी तरह से जिस वक्त माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहब समर वंडरलैंड थाने के आयोजन के जगह पे आए थे, तो उन्होंने कहा कि मीरा भाईंदर शहर में भी ऐसा समरलैंड होना चाहिए, और पूर्वेश ने वो बात तुरंत मान्य कर ली और मुझसे परमिशन लेके आज मीरा भाईंदर में आयोजन किया। उसके लिए मैं बहुत बहुत उसका आभारी रहूँगा, क्योंकि समर वंडरलैंड के माध्यम से मीरा भाईंदर शहर के और खासकर मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के बच्चों को और उनके माँ पिताओं को एक अच्छा आयोजन का एक माध्यम यहाँ पे मिला है। हमारे दिलीप ढोले जी जिनका जन्मदिन है, उनके हाथों से इस समरलैंड का आज उद्घाटन भी हुआ, और बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे अभी सब बच्चे और उनके पेरेंट्स आए हुए हैं। ये समरलैंड वंडरलैंड का कंसेप्ट मीरा भाईंदर शहर में पहली बार हुआ है। मीरा भाईंदर शहर के लोगों को ऐसी जो ज़रूरत है वो ज़रूरत पूरा करने का काम युवा नेता के रूप में पूर्वेश सरनाइक कर रहे, तो उनको शुभकामनाएं देता हूँ। भविष्य में ऐसे ही कार्यक्रम और भी अच्छी तरह से मीरा भाईंदर शहर में होते रहेंगे, तो हम लोग उनके पीछे रहेंगे। महापालिका ने तो उनको सपोर्ट किया है, मगर साथ में एक पिता होने के नाते और इस परिसर का विधायक होने के नाते मैं भी उसके पीछे रह के इस समरलैंड के समर वंडरलैंड के आयोजन में जो भी मदद उनको चाहिए वो मदद पूरी तरह से करूँगा। और मीरा भाईंदर शहर के सभी नागरिकों को आपके माध्यम से मैं यही आह्वान करूँगा कि और भी 4 दिन इस समरलैंड का समर वंडरलैंड का आयोजन यहाँ पे हुआ है, तो आप सभी लोग आइए और अपने बच्चों के साथ आके इस कार्यक्रम शहर में तो कब्जा मेरा पिछले 14 सालों से लोगों ने ही करवा दिया है कि लोक प्रतिनिधि के तौर पे 2009, 2014 और 2019 में विधायक के तौर पे मुझे 3 बार लोगों ने चुन के दिया। एक दो बार शायद हो सकता है, मगर तीसरी बार भी लोगों ने 84,000 से मार्जिन दिया। और मेरे हर जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन में मेरे कार्यकर्ताओं के साथ मेरी पत्नी, मेरे दोनों बच्चे, मेरे बहुएं भी उसमें आ जाते हैं, ताकि उनको भी अपने पिता के बारे में, अपने पति के बारे में उतनी आस्था होती है, तो वो भी प्रचार मेरे साथ करते रहते हैं। और यही बात सरनाइक परिवार की, तो पूर्वेश सरनाइक पिछले कई सालों से मीरा भाईंदर शहर की युवा सेना की कार्यकारिणी के
माध्यम से सभी को परिचित है। वो जिस वक्त हमारा चैत्र नवरात्रि होता है या हमारे इस दिसंबर या जनवरी महीने में हम मीरा भाईंदर आर्ट फेस्टिवल का आयोजन करते हैं, उसमें भी वो बहुत बड़े पैमाने पे लोगों के साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, सन्नाइक परिवार का मैं यानी मेरा परिवार है, तो वो अगर मेरे साथ में कंधे में कंधा मिला के अगर काम करते रहेंगे इस शहर के लिए तो बहुत ही अच्छा है। महिलाओं के माध्यम से परीक्षा सन्नाइक काम कर रही है, युवाओं के माध्यम से पूर्वज सन्नाइक काम कर रहे हैं। तो लोगों को जो चाहिए वो अगर राजनीति से विरहित रूप से अगर लोगों को ये चीज़ें सब मिलती है तो उसमें बुरा क्या है। मैं तो आह्वान करूँगा कि और भी उन्होंने कार्यक्रम यहाँ पर आए। पहले मैं आपके माध्यम से पूर्वेश प्रताप सरनायक साहब को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मीरा भाईंदर महापालिका क्षेत्र में ये पहली बार हो रहे और ये बच्चे लोग का उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का ये समर वंडरलैंड जो बोलते हैं उनका, जैसे एक ड्राॅइंग्स है उनको गाना गाने का, ये उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर एक घर में इतनी बड़ी जगह और इतना स्कोप नहीं रहता, इसलिए हर एक लो मीडियम और हाई क्लास सभी परिवार को बच्चों लोग को इधर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने के लिए अच्छा मौका मीरा भाईंदर और यह आयोजन किया है उसके लिए मीरा भाईंदर महापालिका ने उनको साथ दिया है। हमारा सौभाग्य समझते मीरा भाईंदर महापालिका छोटी महापालिका है, उसको इनके कार्यक्षेत्र में ठाणे जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ साथ में इधर भी ये फैसिलिटीज अवेलेबल करके दिए और ये समरलैंड का जो प्रोग्राम है अभी भी अपने लाडले और लोकप्रिय ये विधायक साहब उन्होंने बोला कि हम ये विंटर में भी करेंगे, उसके लिए मेहनत जो पूर्वेश प्रताप सरनायक साहब ने किया उन तहे दिल से उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और आपके माध्यम से मैं सब पेरेंट्स को विनती करूँगा ये जो चार दिन का फेस्टिवल है उसके अंदर अपने बच्चों को इसके अंदर हिस्सा करो, हिस्सा लेने के लिए बोलो, उनका पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। अपने घर के पास एक खजाना मिल रहा है उसका इस्तेमाल बहुत अच्छा था। आज आपने क्या एंजॉय किया? राइड्स एंजॉय की, फिर फोटोशूट किया, फिर गेम्स खेले। जिन्होंने भी ये रखा है बहुत अच्छा है, अभी तो और फन करना बाकी है, सरप्राइजेज होंगे, गिफ्ट्स होंगे, बहुत एंजॉय किया। बहुत अच्छा है। समर में छुट्टियों के बाद अब स्कूल रीओपन होने वाली है और मीरा भाईंदर में इतना अच्छा इवेंट हो रहा है, इट वाज अ वेरी सरप्राइजिंग, बहुत अच्छा था और बहुत फन किया। म्यूज़िक तो अमेजिंग था, डांस करने पे मजबूर कर दिया हमें, बहुत अच्छा था। आज पहला दिन था और पहला दिन ही बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए। वैसे ना मैंने पहली बार देखा इतनी सारी क्राफ्ट की चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें, और ये सबसे स्पेशल यहाँ पे ना जो ये सेल्फी पॉइंट है ना, ये सबसे बेस्ट लगा मुझे। मैंने अभी तक किया नहीं है बट मैं ज़रूर ट्राई करूँगी और मैं अपने पति के साथ आई हूँ, बहुत इंजॉय कर रही हूँ यहाँ पे। मेरी बेटी है यहाँ पर, पता नहीं वो लोग कहाँ घूम रहे बट ये बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा। इतना बड़ा ऑर्गेनाइज पहली बार हुआ है, तो बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं, सिंगिंग भी हो रहा है, फूड भी है, मतलब टू मच है। मैंने अभी तक सोचा नहीं था कि इतना अच्छा यहाँ पे ये होगा, प्रोग्राम हो रहा है वो पहली बार हो गया। और इधर बहुत सारे स्टॉल्स लगे, बहुत अच्छे अच्छे, इवन हियर फ्रॉम चिल्ड्रंस टू एडल्ट्स ऑल आर एंजॉयिंग वेरी वेल, डिफरेंट गेम्स आर हियर। आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे अपने माँ बाप के साथ आकर कितना आनंद ले रहे हैं, और तो और